एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय ये चल रहा है कि सर कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करें एग्ज़ाम में 90% लाने के लिए। या कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, ये एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते, और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके ही हम पास हो सकते हैं। तो जितने भी आपके ये डाउट हैं इस वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड सब सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। तो देखिए कम से कम आपको मिनिमम 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन आपको अपने पास रखने हैं। अब देखिए इनको पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं कैसे पढ़ा था वही आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप जैसे फॉर एग्जांपल साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपके 10 चैप्टर हैं, तो आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, जैसे पहला चैप्टर आप पढ़ लिए उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो बुक के क्वेश्चन है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के हैं उनमें से आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो फर्स्ट चैप्टर में पूछे गए हैं, फिर आप उनको सॉल्व कीजिए। उससे आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जॉर्व भी करेगा, और जो आपके जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन रहते हैं वो सिंपल नहीं रहते हैं, जैसे कि आपको जैसे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं या जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है थोड़ा सा उनसे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके हैबिचुअल भी हो जाओगे, उस टाइप के हार्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की हैबिट भी हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़िए, फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सेलेक्ट कीजिए और उनको फिर से सॉल्व कीजिए, इससे आपकी एक हैबिट भी हो जाएगी और आप पूरा सॉल्व भी कर पाएंगे। और देखिए आप उसमें नोटिस करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो रिपीट होते रहते हैं, तो सबसे पहले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनको आप अच्छे सॉल्व कर लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो उसको आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे धीरे धीरे, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड सिंपल नहीं रहेंगे, जैसे आप सोचोगे बस फॉर्मूला पुट कर दें वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं रहेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। और देखिए ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर आप 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो 90% आपकी गारंटी आ जाएंगे। अगर चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हो उसके साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो इतनी बात की गारंटी है कि आप पास भी हो जाओगे और आपके नंबर भी बस अच्छे आएंगे। बस आपको ईमानदारी से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार आप अच्छे से एक बार सॉल्व करने के बाद उसके बाद आप 10 साल का फिर से वो प्रीवियस क्वेश्चन लो और 3 घंटे का टाइम या 2 घंटे का टाइम सेट करके उनको सॉल्व कर दो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।